हलयावी वार्स में हूँ सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब आज की इस क्लास में मैं आपके लिए हिंदी के 10 ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ कि जिनके यूज के टाइम लोग अक्सर अटक जाते हैं। वो होते ना जैसे कभी कभी, कभी ना कभी, जैसे तैसे, किसी ना किसी को, कोई ना कोई, वगैरह वगैरह। अब ऐसे शब्द होते तो छोटे छोटे से, लेकिन वक्त आने पर ना तो गूगल पे मिलते हैं ना डिक्शनरी में मिलते हैं। बट डोंट वरी, कॉपी पेन लेके बैठना, आज ये सारे सिखा दूंगा। अब ऐसे कमाल के हिंदी के 10 वर्ड्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन जानने के लिए और उनका यूज जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाहर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं हिंदी के कमाल के 10 वर्ड्स और उनकी ट्रांसलेशन, और हर एक वर्ड के दो दो एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि अच्छे से भेजे में घुस जाए, नोट करते रहना, सही है। अब पहला वाला है कभी ना कभी। कभी ना कभी इसका सामना जरूर करा होगा आपने, हिंदी में अक्सर बोलते हैं कभी ना कभी मैं वहां जाऊंगा, कभी ना कभी तो तुमने कुछ खाया होगा, कभी ना कभी तो ये हुआ होगा। कभी ना कभी इसकी इंग्लिश होती है sometime or the other, sometime or the other। आओ दो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं कभी ना कभी वहां जाऊंगा, भाई साहब देख तू पैसा आन दे और मैं देख टाइम निकाल लें दे, मैं कभी ना कभी वहां जाऊंगा। I'll go there sometime or the other, I'll go there, मैं वहां जाऊंगा sometime or the other, यानी कभी ना कभी। एक और लेते हैं, जैसे मैं उससे कभी ना कभी मिला हूं, याद नहीं आ रहा यार, मैं उससे कभी ना कभी मिला हूं। I have met her sometime or the other, I have met her, हर माने लड़की से, him होता है लड़के से, sometime or the other, कभी ना कभी। तो जब भी आपको बोलना कभी ना कभी बोल देना sometime or the other, सही है। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं, अब ये भी आपने सुना होगा हिंदी में कहीं ना कहीं, और जब इसकी इंग्लिश ढूंढने बैठो तो मत्था खराब हो जाता है। बट डोंट वरी, मैं बताता हूं, कहीं ना कहीं की इंग्लिश होती है समवेयर और द अदर, समवेयर और द अदर, ये होती है। आओ दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ लूंगा, टेंशन है, मतलब नंबर पंबर उसके ट्रेस करवा दूंगा, मैं कहीं ना कहीं उसे ढूंढ लूंगा, तलाश लूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल फाइंड हिम समवेयर और द अदर, I'll find him somewhere or the other। अब I'll find him, मैं उसे ढूंढ लूंगा, लड़की हो तो हर कर सकते हैं या किसी और का नाम लगा सकते हैं, somewhere or the other, यानी कि कहीं ना कहीं। ऐसी जब मैं कहूं, अगर मैं कहूं वह कहीं ना कहीं दिल्ली में रह रहा है, भाई साहब पता नहीं मिल पा रहा उसका, मुझे लग रहा है वह कहीं ना कहीं दिल्ली में रह रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज लिविंग इन दिल्ली समवेयर और द अदर, ही इज लिविंग इन दिल्ली, वह दिल्ली में रह रहा है, समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं। तो जब भी आपको बोलना हो कहीं ना कहीं, बोल लेना, हाँ बोल देना समवेयर और द अदर, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। बहुत ज्यादा ये भी यूज में आता है हिंदी में, मैं कुछ ना कुछ पूछूंगा, उसने कुछ ना कुछ बताया नहीं, कुछ ना कुछ छुपा लिया, कुछ ना कुछ। अब ये जो कछुए की शक्ल का है कुछ ना कुछ, इसकी इंग्लिश होती है समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर। जैसे मैं कहूं मैं कुछ ना कुछ कहना चाहता, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, वह कुछ ना कुछ कहना चाहती है, भाई साहब उसकी शक्ल से लग रहा है कुछ ना कुछ कहना चाहती है, पूछ उससे, वह कुछ ना कुछ कहना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू से something or the other, she wants to say, वह कुछ ना कुछ कहना, वह कहना चाहती है something or the other, कुछ ना कुछ। ऐसी मैं कहूं तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, ऐसी बात नहीं है भाई साहब, थोड़े से लग रहा तुम्हारे, तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, you are hiding something or the other, you are hiding, तुम छुपा रहे हो something or the other, कुछ ना कुछ। तो जब भी बोलना कछुआ ना, सॉरी कछुआ कह रहा हूं, कुछ ना कुछ तो बोल देना something or the other। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कोई ना कोई, कोई ना कोई। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आता कोई ना कोई। अब कोई ना कोई की इंग्लिश होती है someone or the other, someone or the other, सारे the other लग के आ रहे, क्या हो रहा है, अभी बदलता हूं, रुक जाओ, someone or the other। आओ दो examples लेते हैं। जैसे मैं कहूं कोई ना कोई सच बताएगा, ऐसा तो नहीं है सारे चुप बैठेंगे बेटा, टाइम आन दे, कोई ना कोई तो सच बताएगा, सो कोई ना कोई सच बताएगा, someone or the other will tell the truth, someone or the other, कोई ना कोई will tell the truth, यानी कि सच बताएगा। और जैसे मैं कहूं कोई ना कोई आ रहा है, भाई साहब तू टेंशन, मतलब कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, so someone or the other is coming, someone or the other is coming। अब पहले हम कहते थे कोई आ रहा है तो होता था someone is coming, अब कोई आ रहा है नहीं, कोई ना कोई आ रहा है, ऐसे बनाना, अपने दोस्तों से पूछना अबे ये बना कोई ना कोई आ रहा है, तो वो कहेगा someone is coming, तू कहना अबे वो तो है कोई आ रहा है, ये बना कोई ना कोई आ रहा है, तो इसमें बनेगा भाई साहब हिल जाएगा, उसे ये वीडियो दिखा देना, so someone or the other is coming, ठीक है। अब इसको रट लेना, नोट करते हुए चलना, वीडियो को लाइक कर देना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है
अरे किसी ना किसी इसका यूज भी होता है, मैं किसी ना किसी से मिलूंगा, उसने किसी ना किसी से बात की होगी, उसने किसी ना किसी को ये किया होगा, किसी ना किसी। इसके लिए इंग्लिश फ्रेज वर्ड जो भी है, मुझे मेरी इंग्लिश वीक है जो भी तुम कहना चाहो, वह है समवन और द अदर। ओ अभी अभी इससे पहले भी यही पढ़ाया था, उसका था कोई ना कोई, यह किसी ना किसी, एक ही वर्ड के दो मतलब कैसे हो गए बता। इंग्लिश इसी चिड़िया का नाम है, मैं बता रहा हूं। वो उसका यूज हमेशा शुरू में होता था, अभी पिछले दो एग्जांपल दोबारा रिवर्स करके देख लो, शुरू में ही लगाया था समवन और द अदर। यह हमेशा लास्ट में लगेगा समवन और द अदर, यहां इसका मतलब हो जाएगा किसी ना किसी। तो शुरू में आए तो कोई ना कोई, लास्ट में आए तो किसी ना किसी। क्या लफड़ा है यार इंग्लिश है क्या ये। खैर चलो आओ दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुमने किसी ना किसी को यह बात बताई है, बेटा ऐसे ही लीक नहीं हुई है, तुमने किसी ना किसी को यह बात बताई है। यू हैव टोल्ड दिस थिंग समवन और द अदर, यू हैव टोल्ड दिस थिंग, तुमने टोल निकलना मुंह से, यू हैव टोल्ड दिस थिंग टू समवन और द अदर, टू भी नहीं लगाया था पहले मैंने, सॉरी, यू हैव टोल्ड दिस थिंग टू समवन और द अदर, यानी किसी ना किसी को ये बात जरूर बताइए। और जैसे मैं कहूं वह किसी ना किसी से जरूर मिलेगा, देखिए वही पकड़ा जाएगा, किसी ना किसी से जरूर मिलेगा, ही विल मीट, वह मिलेगा विद समवन और द अदर, किसी ना किसी से। तो मीट विद माने मिलना होता है, या समवन और द अदर किसी ना किसी से, सही है। तो जब भी लगाना किसी ना किसी से लगा देना समवन और द अदर। आओ अब समझ गए होंगे, नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हो ना हो। अरे ये मैंने पढ़ाया है किसी वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस में कई बार बताया है, कोई बात नहीं, इस कैटेगरी में भी आता तो इस वीडियो में इसे डालना पड़ेगा मजबूरन, हो ना हो। अब ये जो हो ना हो है, इसकी इंग्लिश होती है बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट। आओ इस पर जल्दी से दो एग्जांपल लेते हैं और यहां से भागते हैं। हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पे, हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो, बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई, बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई। अब देखो यहां पर बिलीव और नॉट से, यानी हो ना हो यू आर टेलिंग अ लाई। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, हो ना हो आज बारिश होगी, भाई मुझे लग रहा है आज बारिश होगी, बिलीव और नॉट इट माइट रेन टुडे, बिलीव और नॉट मानो या ना मानो, या हो ना हो इट माइट रेन टुडे, आज बारिश होगी या हो सकती है, ऐसे हो जाएगा, सही है। छोटा सा यूज था, नोट कर लो इसे भी, नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है जैसे तैसे, ऐसी तैसी नहीं लिखा है, ध्यान से सुन लो और पढ़ लो, जैसे तैसे। अब ये शब्द भी अक्सर हमारी भाषा में यूज होता है हिंदी में, अब इसकी इंग्लिश सुनो, जैसे तैसे। इसकी इंग्लिश होती है somehow, छोटी सी है somehow। अब जैसे मैं कहूं मैं जैसे तैसे वहां गया यार, रास्ते में कार खराब हो गई, पंचर हो गया, पेट खराब हो गया, फिर तो भैया जंगलों से गुजरता हुआ मैं जैसे तैसे वहां गया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वेंट देयर somehow, आई वेंट देयर मैं वहां गया somehow, इस तरीके से। और अगर जैसे मुझे कहना है मैं जैसे तैसे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, यार कसम से दिमाग खराब हो गया है, मैं कहीं भीख मांगू कुछ भी करूं, मैं जैसे तैसे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, I'll return your money somehow, I'll return your money, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा somehow, जैसे तैसे। अब तुम्हें जब भी बोलना हो जैसे तैसे हो सर हम ये काम कर देंगे, somehow somehow how 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 ये लगा देना। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है देर सवेर, आज नहीं तो कल, दोनों को मिला के मत पढ़ लेना, अलग अलग है ये, कोई कहता देर सवेर, कोई कहता आज नहीं तो कल, अरे देर सवेर लौट आएगा वो, अरे आज नहीं तो कल लौट आएगा वो, अरे देर सवेर बच्चा देखो कामयाब हो जाएगा, आज नहीं तो कल कामयाब, ऐसे बोल देते हैं, कोई कहता देर सवेर, कोई कहता आज नहीं तो कल, बात एक ही है, दोनों लिख दिए मैंने, जो तुम्हारा मन लगे उसी को चिपका देना। अब देर सवेर या आज नहीं तो कल, इसकी इंग्लिश होती है सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। जैसे मुझे कहना लेदर मत पढ़ देना प्लीज, लेटर। अब जैसे मुझे कहना है देर सवेर में लौट आएगा, या फिर ऐसे भी कह सकता आज नहीं तो कल लौट आएगा, यार क्यों टेंशन ले रहा है वो, आज नहीं तो कल लौट आएगा, सो देर सवेर वह लौट आएगा, ही विल बी बैक सूनर और लेटर, ही विल बी बैक, वह लौट आएगा, वापस आ जाएगा, सूनर और लेटर, देर सवेर यानी आज नहीं तो कल। ऐसे अगर मैं कहूं तुम देर सवेर कामयाब हो जाओगे, तुम आज नहीं तो कल कामयाब हो जाओगे, बेफिक्र रहो, मेहनत करते रहो, यू विल बी सक्सेसफुल सूनर और लेटर, यू विल बी सक्सेसफुल, तुम कामयाब हो जाओगे सूनर और लेटर, देर सवेर यानी आज नहीं तो कल, नोट कर लो, सही है, सूनर और लेटर लाइक कर दो कल देर सवेर। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, अब लिखा था थोड़ा बहुत है, थोड़ी बहुत, थोड़े बहुत, थोड़ो बहुत, जो मतलब एग्जैक्टली सेंटेंस में यूज हो इसी कैटेगरी का वो कर लेना। थोड़ा बहुत, इसकी इंग्लिश होती है अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट। जैसे मुझे कहना है मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी, वैसे तो मेरी इंग्लिश वीक है, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूं, किसी से कहना मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूं, सो इसकी इंग्लिश होगी आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट, आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूं अ लिटिल बिट, थोड़ी बहुत। और जैसे मैं कहूं थोड़ा बहुत थका हुआ हूं, यार बस ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड अ लिटिल बिट,
आई एम टायर्ड, मैं टायर हूँ, पहिया हूँ, सॉरी मैं टायर्ड मतलब थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ अ लिटिल बिट, यानी कि थोड़ा बहुत। तो जब भी आपको कहना है वो थोड़ा बहुत पैसा उधार दे देगा, थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, बस थोड़े बहुत देर में आ जाएगा, अ लिटिल बिट यूज कर लेना, बहुत काम का है। नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हल्का हल्का, हल्का हल्का, हल्का फुल्का भी यही होता है, एक ही बात है, हल्का हल्का कह लो, हल्का फुल्का कह लो, हम तो हल्का हल्का कहेंगे, हमारी मर्जी, हमारी वीडियो है, पर लाइक प्लीज कर देना, कितनी बार कहलवाओगे यार तुम भी। तो हल्का हल्का, अब हल्का हल्का की इंग्लिश होती है माइल्ड, माइल्ड ही होता है, कभी मिल्डो, इंग्लिश वीक है मेरी, माइल्ड। अब ये जो माइल्ड है इसे आप यूज कर सकते हैं हल्का हल्का के लिए। एग्जाम्पल देखो, मुझे हल्का हल्का बुखार है, देखो चेक करना जरा प्लीज, 97 आ रहा है, मुझे हल्का हल्का बुखार है, आई हैव माइल्ड फीवर, आई हैव माइल्ड फीवर। ओ भाई साहब कितना बढ़िया सेंटेंस बन गया। अब जैसे मुझे कहना है क्या ये सेंटेंस समझ में नहीं आता ना, एक तो बड़ी देर हो जाती है तो मैं बातों में लगा लेता ताकि सेंटेंस याद आ जाए, क्या सेंटेंस था, अरे हाँ याद आ गया। जैसे मुझे कहना है मुझे हल्का हल्का नशा हो रहा है, क्या खिला दिया, मुझे हल्का हल्का नशा हो रहा है या नशा चढ़ रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। सो इसकी इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग माइल्ड हैंगओवर, आई एम गेटिंग माइल्ड हैंगओवर, आई एम गेटिंग मुझे हो रहा है या चढ़ रहा है माइल्ड हल्का हल्का हैंगओवर, नशा, सलमान खान याद ना जाए तुम्हें, प्यार का हैंगओवर है जा कभी, सही है। तो इस तरीके से भाई साहब ये यूज होगा, स्क्रीन कर दो, सफा प्लीज, सफाई अभियान चलाओ बस। अब भाई साहब आपने देखा कि आज मैंने आपको सिखाया कितने बढ़िया बढ़िया 10 ऐसे शब्द हिंदी के और इंग्लिश के साथ, जो अक्सर बहुत कमी से उनकी इंग्लिश मुश्किल से मिल पाती, मिल तो जाती होगी, ऐसा थोड़ी है, मैंने अपनी तरह से ना, मैंने भी कहीं ना कहीं से ढूंढे ही होंगे, सही है। अब आपकी बारी है छोटे से यूवर की, लगाओ इनको, नल्ला वेल्ला मत बैठने दो, लगाओ। ये रहा भैया आपका यूवर्क, इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ज्यादा नहीं दिए, 10 नहीं है, गिन लो, थोड़े से ही है, 4-5 ही है, क्यों दिए, क्योंकि ताकि आप प्रैक्टिस करो। अब जो 10 सेंटेंस शब्द मैंने आपको सिखाए जिनमें से उनमें से जो भी सेट बैठता है इनमें, सेट करना, इंग्लिश बनाना, पहले देख लेना सही है, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेक देना, आगे के डायलॉग तो आप जानती है कि मैं अपना हर्ट दूंगा, बाकी सब लाइक देंगे, और आते जाते कोई गलती हो किसी की वही बता देना, मेरी नजर पड़ेगी तो मैं ही बता दूंगा, सही है। होमवर्क हो गया खत्म। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो छोटे छोटे शब्दों के बारे में। अब आपके कुछ कर्तव्य हैं, छोटे छोटे इतनी मेहनत से मुझे वीडियो बनवाते हो, देख लो सब कुछ चेंज कराया मैंने, पूरा स्टूडियो पे स्टूडियो, तो प्लीज आपके कुछ फर्ज हैं। फर्ज नंबर 1 इस वीडियो को लाइक करना, फर्ज नंबर 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, फर्ज नंबर 3 के इस वीडियो को पूरे शहर में फैला देना, और जाते जाते एक टुच्चा सा नन्ना सा चिल्ला पिल्ला सा लाइक देकर जाना।